राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नाहन में अनूठा प्रोग्राम सजा। इसी कड़ी में मेड इन सिरमौर उत्पादों की श्रृंखला का प्रदर्शन हुआ। नाहन के ऐतिहासिक चौगान में 3 दिवसीय प्रदर्शनी शुरू हो गई है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के पुरुथी ने मेड इन सिरमौर उत्पादों के आइडिया को मूर्त रूप दिया है। प्रदर्शनियों का उद्घाटन विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। यहाँ विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को रखा गया है। वहीं पशुपालन विभाग के निर्देशों पर मां बाला सुंदरी गो सदन द्वारा विशेष रूप से गोमय ज्योति, गोमय उर्वरा, गो अर्क, गो गोबर से तैयार गमले सजाए गए हैं। यहां मेरा बैग मेरी दुकान तथा मेरा बैग मेरा घर टेंट विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेड इन सिरमौर उत्पादों को अब हिम इरा की दुकानों में रखा जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? एक दोबारा बोलिए। मैं डॉक्टर जयदीप। एक मिनट सर। हाँ जी मैं डॉक्टर जयदीप, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर नाहन में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या सावधानियाँ ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? दिन में प्रतिदिन हम भाप ले सकते हैं सुबह शाम अजवाइन और पुदीने के, उसके बाद लौंग का पाउडर आधा चम्मच शहद में मिला के अगर हम डेली लें, गले की खराश में आराम मिलेगा, गले में दर्द है उसमें आराम मिलेगा। सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो हम चिकित्सक को दिखा सकते हैं। इसके पश्चात च्यवनप्राश ले सकते हैं 2 चम्मच सुबह खाली पेट। जिनको शुगर है वो बिना शुगर वाला च्यवनप्राश ले, नॉर्मली शुगर वाला भी ले सकते हैं। फिर काढ़ा है जो हमारा, इसमें दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और सौंठ, ये 4 चीज़ें हैं। तो तुलसी पत्र 4 पात, बाकी दालचीनी और सौंठ 2-2 पात और काली मिर्च 1 पात, इसको पीस के हम काढ़ा बना सकते हैं। 150 ml लगभग 1.5 कप में या 1 गिलास में डाल लें, थोड़ी देर के लिए उबाल लें उसको 5-10 सेकंड, उसके बाद ठंडा रख के फिर उसको हम गरम गरम पी सकते हैं। इसके बाद डेली आधा चम्मच 1 गिलास दूध में हल्दी पाउडर डाल के गर्म दूध में वो सुबह शाम ले सकते हैं। प्रतिमर्श नस्से के लिए, नाक से इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो जिससे कि वो इन्फेक्शन अंदर इन्वेड ना करे, ब्लड स्ट्रीम में ना जाए, वायरस ग्रो ना करे, उसको रोकने के लिए 2-2 बूंद अणु तेल, तिल तेल या घर में नारियल तेल, सरसों तेल जो भी है, 2-2 बूंद दोनों नाक में डालनी है। उसके बाद प्रतिदिन हमें 1 चम्मच तिल तेल या नारियल तेल लेके मुँह में डालना है, उससे कुल्ला करना है, 2-3 मिनट घुमा के उसको थूक देना है, पीना नहीं है उसको। उसके बाद गर्म पानी थोड़ा सा मुँह में डाल के उससे कुल्ला कर लेना है, तो इससे जो हमारा मुँह, नाक, गला, ये सब स्वस्थ रहेगा, इन्फेक्शन जल्दी से कैच नहीं करेगा और अगर किसी को है तो वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर पानी पीना है डेली तो गुनगुना पानी पीना है, योग, प्राणायाम और ध्यान 30 मिनट डेली लगातार, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। हमारा मेन मोटिव है योगा एट होम, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। दीदी सर नमस्कार। सर मेरा नाम रेखा है, मैं पोंटा साहिब बांगरन से हूँ और हमने यूको आरसीटी के तहत जूट बैग की ट्रेनिंग ली थी। अब हम उसका काम कर रहे हैं अपने फील्ड में भी। आज हमको डीसी सर ने यहाँ स्टॉल लगाने के लिए बोला था तो यहाँ पे भी आ गए हैं और इनकी हेल्प से ही यहाँ पे स्टॉल लगाया हमने। ये इनमें किनमें कितने उत्पाद हैं आपके पास जो आपने ट्रेनिंग की है और यहाँ रखे गए हैं? इसमें सर काफ़ी कुछ है, जैसे बोतल कवर है, जूट बैग है, मैटी के बैग है, कुशन कवर है और साइड बैग वगैरह, पाउच है, पेंसिल पाउच वगैरह, काफ़ी कुछ है इसमें सर। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आप लोग? सर हम 35 महिलाएं हैं। एसएचजी ग्रुप है आपका? हाँ जी सर, एनआरएलएम ग्रुप से है। एनआरएलएम आजीविका से किस तरह से आपको इसमें प्रभाव दिखा जुड़ने के बाद? सर काफ़ी फायदा भी हुआ इन समय और अच्छा भी लगा जुड़ के। हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो गए हैं, अब भी हमें किसी के साथ काम कुम करने का भी मौका मिल जाता है, महिलाओं के साथ भी। स्टॉल कब कब लगाते हैं आप? और यहाँ पे बाकी तो हम सर अपने दुकान से है, दुकान की भी हमने वहीं से मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, कितनी सेल हो जाती है? सर दिन के हो जाती है 400-500 तक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।